हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक। इस पिक्चर में आलिया भट्ट ने जिस तरह से मेकअप की है, इसी मेकअप लुक को मैं आज रिक्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मेकअप लुक है मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बहुत ही नेचुरल एंड वेयरेबल काइंड ऑफ मेकअप लुक है। इस मेकअप लुक को हम लोग कहीं पर भी वेयर करके जा सकते हैं। सो मुझे लगा क्यों ना मैं इस मेकअप लुक को रिक्रिएट करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। दैट्स वाई इट इज़ एन इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड फ्रेंड्स, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जो भी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करूँगी वो सारे अंडर 30 रुपीज़ है। सो आई होप आप लोग को आज का ये मेकअप लुक पसंद आएगा, ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप लोग इन्जॉय करेंगे। अगर पसंद आए देन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड उसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए अभी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ की हूँ यूजिंग दिस जॉय स्किन फ्रूट्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इट्स अ स्मॉल साइज टब। इसका प्राइस है ओनली 10 रुपीज़। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये फेयर एंड लवली। ये सबसे छोटा सैशे है एंड इसका प्राइस है ओनली 5 रुपीज़। थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं अपनी बैक ऑफ द हैंड पे ले ली हूँ। इसको मैं डॉट आउट करके अपनी पूरे फेस एंड नेक पे इस तरह से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं अपनी अंडर एरिया में भी अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंसीलर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है 30 रुपीज़ में। दैट्स वाई पिक्चर में आलिया भट्ट की जो मेकअप लुक है वो एकदम नेचुरल है। आप लोग देखो यहाँ पे जो मेकअप बेस है वो एकदम सटल है, इसीलिए फाउंडेशन नहीं अप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मेरे पास ऑप्शन रहता देन मैं कोई बीबी या सीसी क्रीम ज़रूर अप्लाई करती, पर मुझे 30 रुपीज़ में कोई भी बीबी या सीसी क्रीम नहीं मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पर फेयर एंड लवली यूज़ कर रही हूँ। एंड आई गेस फेयर एंड लवली से मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। सो फेयर एंड लवली को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद उसको मैं सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन्ड सैंडल पाउडर। ये जो पाउडर है ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो मैं जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी पाउडर है छोटा वाला साइज़, उसे भी यूज़ कर सकती थी, पर वो पाउडर एकदम वाइट है। बट मुझे थोड़ा सा येलो अंडरटोन में पाउडर चाहिए था, इसीलिए आई एम यूजिंग इट। अपने आईब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं यहाँ पे ये डेविस का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड इसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। इस पिक्चर में आलिया भट्ट की जो आईब्रोज है वो एकदम नेचुरल लग रहा है दिखने में, इसीलिए मैं भी यहाँ पे अपने आईब्रोज को एकदम नेचुरल तरीके से ही फिल इन करने की कोशिश कर रही हूँ, एकदम लाइट हैंडेडली, ताकि मेरा आईब्रोज भी एकदम नेचुरल लगे दिखने में, एकदम भी डार्क ना लगे। बट आलिया भट्ट के जो आईब्रोज़ है वो थोड़ा सा थिक है और मेरा आईब्रोज एकदम भी थिक नहीं है, तो जितना पॉसिबल है मेरे लिए उतना मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं अप्लाई करूंगी काजल एंड काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मैक का काजल। ऑब्वियसली ड्यूप है ये, मुझे 30 रुपीज़ में मिल गया था इसीलिए मैं इसे ले ली थी एंड अभी मैं इसी को यूज़ करूंगी। इस पिक्चर में आलिया भट्ट की जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा स्मोकी टाइप का किया हुआ है, मुझे इस पिक्चर से इतना ही पता चल रहा है। अगर आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी इतना सा ही समझ में आएगा आई गेस, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा स्मोकी आई टाइप का किया हुआ है एंड नीचे काजल लगा के उसको स्मज्ड आउट किया गया है, तो मैं भी उसी हिसाब से अपना आई मेकअप कर रही हूँ। अभी एक स्मजर की हेल्प से मैं इस काजल को थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूँगी ताकि ये काजल थोड़ा सा स्मज हो जाए। अभी मैं अपने आईलिड्स पर भी इसी काजल को अप्लाई करूँगी। सो इस तरह से मैं अपने आईलिड्स पर इस काजल को पहले अप्लाई कर लूँगी।
नाउ एक स्मजर ब्रश की हेल्प से मैं इस काजल को अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी। इससे जो स्मोकी आईज होता है वो ईजिली क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं इसी सेम काजल को एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। इस काजल को मैं अपनी लैश लाइन के एकदम क्लोज अप्लाई करके एक पतला सा लाइन ड्रॉ करूँगी जस्ट एज अ लाइनर। इससे हम लोग का आईज और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा और ये शिल्पा ब्रांड का मस्कारा है। शिल्पा ब्रांड का जो बिंदी मिलता है आप लोगों को पता होगा, उसी ब्रांड का ये मस्कारा भी है और इसका प्राइस भी 30 रुपीज़ है। ये जो मस्कारा है ये ब्लू हेवन का जो ऑर्डिनरी मस्कारा आता है बिल्कुल वैसा ही दिखने में है, पर जो भी है मुझे 30 रुपीज़ में मिल गया था तो मैं ले ली थी। सो इस मस्कारा से मैं अपनी लैशेज़ को अच्छे से कोट कर लूँगी। अपने आईब्रोज को फिल इन करने के बाद उसे ब्रश करना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी कर ले रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का आई एन लिप पेंसिल एंड इसका भी प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है एंड इसका शेड नंबर है 32। मैं इस पेंसिल को एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये एक लाइट ब्राउन कलर का शेड है एंड इस पिक्चर में आलिया भट्ट का जो मेकअप लुक है इसमें आलिया भट्ट का फेस बहुत अच्छे से ब्रॉन्जअप किया हुआ है। सो इस तरह से इस पेंसिल को स्मॉल स्ट्रोक से अप्लाई करके अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि ये पेंसिल काफ़ी अच्छे से वर्क किया है एज अ ब्रॉन्जर। अभी मैं इसको थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लूँगी क्योंकि ये पेंसिल थोड़ा सा क्रीमी है, दैट्स वाई। फॉर हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कैमियो का लूज शिमर और ये भी मुझे 30 रुपीज़ में ही मिला है। एंड आप लोग देखो ये सिल्वर कलर का लूज शिमर पाउडर है। आलिया भट्ट के इस पिक्चर में जहाँ जहाँ हाइलाइटर समझ में आ रहा है, मतलब आलिया भट्ट के फेस में जहाँ जहाँ हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है, मैं भी अपने फेस के उन्हीं जगहों पर इस हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये शिमर पाउडर काफ़ी अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे कोई भी ब्लशर अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस पिक्चर में एज सच कोई ब्लशर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स वाई। अभी मैं फिर से मार्स का ही एक आयन लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड इसका शेड नंबर है 03। आलिया भट्ट के इस मेकअप लुक में जो लिप शेड यूज़ किया गया है वो इस पेंसिल से काफ़ी मिलता जुलता है, आई मीन काफ़ी सिमिलर शेड लगा मुझे, इसलिए मैं इस पेंसिल को एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। And this is the final finished look. I hope you guys have enjoyed watching this video. अगर आप लोगों को ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक पसंद आता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड यस, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू एंड स्टे ब्लेस्ड।